हाय, दिस इज मनीष शर्मा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो में हम लोग एनालिसिस करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कल के सेशन के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्लीन एंड क्लियर एक ट्रेंड लाइन बन रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़कर ऊपर की तरफ निकलता है तो एक काफी अच्छा फ्रेश ब्रेकआउट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप चार्ट पैटर्न समझने की कोशिश करना। यहाँ पर इसने प्रॉपर डबल टॉप बनाया है और यहाँ पर इसने नेकलाइन ब्रेकडाउन भी दे दिया था। अब ये रिट्रेस कर रहा है नेकलाइन ब्रेकडाउन को। अगर ये नेकलाइन ब्रेकडाउन के आसपास रेजिस्टेंस लेकर वापस नीचे जाता है तो हायर चांसेस है जो प्रीवियस लोज है 14,250 के अराउंड वो लेवल भी तोड़ सकता है। अगर वो लेवल भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट आता है ये वाला 13,600 के आसपास। तो फ्राइडे को फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल सीरीज था। अब एक लॉन्ग वीकेंड के बाद में कल मार्केट ओपन होगा तो कल हमें थोड़ा प्राइस एक्शन देखकर ट्रेडिंग करना पड़ेगा। ओवरऑल 14,850 के आसपास काफी एक स्ट्रॉन्ग बड़ा रेजिस्टेंस है जो कि ये नेकलाइन का रेजिस्टेंस है। 14,800 14,850 के आसपास अगर निफ्टी मिलता है तो आप 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकते हो। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है तो आपको थोड़ा प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा। लेकिन व्यू जो है वो आपका शॉर्ट की तरफ ही होना चाहिए। जब तक डेली चार्ट पे निफ्टी या ट्रेंड लाइन के नीचे है तब तक व्यू जो है वो बेरिश ही होना चाहिए। शॉर्ट की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है और फिर आपको लॉन्ग की तरफ ध्यान देना है एज पर प्राइस एक्शन। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। सो 14,800 से लेके 14,850-870 के आसपास मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। सो अगर ये ऊपर भी आता है तो 14,800 के आसपास हायर चांसेस है ये रेजिस्टेंस ले सकता है और वहां से एक फॉल आ सकता है। अगर ये फॉल आता है, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो नीचे में 14,200 सबसे पहला टारगेट होगा जो कि प्रीवियस लो था। और अगर 14,200 भी टूटता है तो 13,600 तक भी निफ्टी आ सकता है। तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है या गैप डाउन ओपन होता है। और अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो आपको थोड़ा प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करना पड़ेगा। 14,800-850 के आसपास निफ्टी में एक अच्छा शॉर्ट ट्रेड बन सकता है। अब हम लोग बैंक निफ्टी का डेली चार्ट एनालिसिस करते हैं। ये एक प्रीवियस स्विंग लो था, आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ से इसने सपोर्ट लेकर थोड़ा बाउंस बैक किया था। ये एरिया आता है 34,800 के आसपास। अगर 34,800 34,900 का लेवल क्रॉस कर लेता है, एक राउंड ऑफ लेवल हम लोग पकड़ लेते हैं 35,000। अगर 35,000 क्रॉस कर लेता है तो वापस बैंक निफ्टी अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, ऊपर जा सकता है। हायर चांसेस है 34,800 से लेके 35,000 के बीच में रेजिस्टेंस लेकर फॉल होने के चांसेस काफी ज्यादा है क्योंकि वहां पर काफी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। अगर 34,800 के आसपास मिलता है 100-150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना। फ्लैट ओपनिंग होता है या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो भी आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। बैंक निफ्टी में जो टारगेट आते हैं वो आते हैं 30,000 के आसपास क्योंकि ये लेवल ऑलरेडी एक बार टेस्ट हो चुका है 32,600। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है या फ्लैट ओपनिंग होता है और फॉल हमें देखने को मिलता है तो 32,800 ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अगर 32,800-700 का लेवल तोड़ देता है तो 30,000 तक भी बैंक निफ्टी आ सकता है। तो आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। सो ये था निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के सेशन के लिए। अगर कुछ भी लेवल में चेंजेस होता है तो मैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसमें मैं लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड्स भी देता हूँ, ऑप्शंस बाइंग के भी, ऑप्शंस सेलिंग के भी। सो अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नोटिफिकेशन बेल दबा देना क्योंकि एवरीडे आपको निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगा लेवल्स के साथ में, लॉजिक के साथ में। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।